हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है गौरैया और घमंडी हाथी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगेगी और उसके बाद आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। तो एक बार एक गौरैया थी, वो जंगल में अपने पति के साथ रहती थी। वह दिन भर अपने बच्चों की देखभाल करती तथा उसके जो पति था उसका, वो खाना ढूंढने के लिए बाहर जाता था। एक दिन वह अपने घोंसले के पास अपने अंडों को से रही थी, तभी वहां पर एक हाथी झूमता हुआ आता है और जबरन पेड़ को हिलाने लगता है। गौरैया उसे मना करती है कि हाथी भाई, इस पेड़ की डाल को मत हिलाओ, मेरे अंडे नीचे गिर जाएंगे। तो हाथी कहता है कि वो घमंड से चूर करके कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं इस डाल को जरूर हिलाऊंगा। और वह जबरन उस डाल को भी हिला देता है। गौरैया के अंडे नीचे जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। गौरैया बहुत दुखी हुई। घमंडी हाथी अपने घमंड में चूर होकर वहां से दूसरी जगह चला जाता है। शाम को जब गौरैया का पति आता है, तब गौरैया उसे सारी बात कह सुनाती है। तब गौरैया का पति कहता है कि हम उस हाथी से अवश्य बदला लेंगे। अगले ही दिन वह अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त थे कठफोड़वा, मधुमक्खी और मेंढक। वह उनके पास जाता है और मदद की गुहार लगाता है। तो तीनों उससे वादा करते हैं कि जिस हाथी ने उसके अंडों को फोड़ा है, हम उसको मजा अवश्य चखाएंगे। वह अगले ही दिन मधुमक्खी उस हाथी के पास पहुंच जाती है और हाथी के कान में भिन 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 की आवाज करने लगती है। हाथी को मजा आने लगता है और वह मदमस्त होकर आंख बंद करके झूमने लगता है। तभी कठफोड़वा वहां आकर उसकी आंखों को फोड़ देता है। पास ही मेंढक एक दलदल के पास अपने परिवार वालों के साथ वहां पर टर टर की आवाज निकालने लगता है। हाथी को लगता है कि वहां पास ही कोई तालाब है, तो वह पानी पीने के लिए वहां की उस आवाज की दिशा की ओर भागने लगता है। लेकिन वहां पानी नहीं था, वहां तो दलदल था। हाथी उस दलदल में फंस जाता है और वहीं अपने प्राण छोड़ देता है। तो इस प्रकार से गौरैया ने अपने मित्रों की सहायता से उस घमंडी हाथी से बदला लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए तथा हमेशा अपने संयम और विवेक से बड़ी मुसीबत का भी हम सामना कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई और शिक्षा आपको मिली है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।